काली नगरी भदोही से लेकर काशी तक प्रतिभाओं के सम्मान का दौर जारी है। इस कड़ी में भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपरों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में व्यवसायी अजय पांडे के पुत्र और इंटरमीडिएट में बालकों में टॉपर ओम पांडे को भी जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सम्मानित किया। काशी में भी यलवन कोचिंग दुर्गाकुंड वाराणसी परिसर में आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के टॉपरों को सम्मानित किया गया। यह टॉपर इंटरमीडिएट परीक्षा में अव्वल रहे थे। यलवन कोचिंग वाराणसी के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। ये देखते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों के अलावा गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट बीएनएन टीवी। सत्ता का पैमाना कभी भी सीबीएसई का नंबर नहीं होता है। पहला नाम है आयुष पांडे। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि किसी प्रतिभा सम्मान समारोह में दूसरे को सम्मान देने का अवसर पा किसी के लिए भी। मैं ये प्रिंसिपल की बात नहीं कह रहा हूँ, एक अभिभावक के नाते कह रहा हूँ कि किसी सम्मान समारोह में किसी प्रतिभा को सम्मानित करने का अवसर मिले, ये अपने आप में भी एक सम्मान है। दीपक साहू नाम था उस बच्चे का। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, उसका वो रिजल्ट सामने आया हम लोगों के, और ये फिक्स है और उसी के एग्जांपल है हमारे बॉस। तो सर के पास क्योंकि बहुत कम समय है इसलिए सर हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी हम ऐसे ही इनको परेशान करते रहेंगे। थैंक यू सर।